हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक्सी क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए फिर से एक नया DIY लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे है और आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स आज का मेरा DIY। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, निक्सी क्रिएशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का DIY, जो कि सबके आज मैं अपनी सभी फ्रेंड्स को बताना चाहूँगी। जो भी आज का मेरा DIY है वो है कि सबके घर में कहीं ना कहीं पुराने कपड़े होते ही हैं, तो आज हम उनका यूज़ करेंगे, जो कि छोटे छोटे पीस बच जाते हैं कभी हमारे पास। तो फ्रेंड्स, एक मिनट, ये देखिए लड्डू का डिब्बा आ गया है। तो सबके मुंह में माउथ वाटरिंग होगी, पानी आ रहा होगा, बट लड्डू खाने नहीं है हमने। ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिया है कि हमने ट्रायंगल की शेप में हमें 8 पीस हमें कार्डबोर्ड के चाहिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, सबके घर में पुराने अनयूज्ड कपड़े पड़े रहते हैं, बड़े बड़े तो कभी कभी यूज़ भी कर लेते हैं हम, बट फिर भी छोटे छोटे पीसेस तो उनके बच जाते हैं, जो कि बहुत दिल के करीब होते हैं। एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी होती है उनमें, उनके अंदर कभी कभी, उनके बीच में, और कभी प्रिंट बड़ा प्यारा होता है और हमारा मन नहीं करता उसको फेंकने का। तो आज वो दिन आ गया है कि जिस जिसके घर में भी वो छोटे छोटे पीसेस पड़े हैं, उनको आप निकालिए अपने घर में, घर से अंदर अलमीरा से, और उसको आयरन कीजिए और इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर दीजिए, जैसे कि हमने कार्डबोर्ड के पीसेस को किया हमने ट्रायंगल में। और ऐसे आप इसको कट कर लीजिए ट्रायंगल की शेप में, और फिर फेविकोल की हेल्प से फ्रेंड इसको ट्रायंगल की शेप में इसको पेस्ट कर देंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी DIY बनाऊं वो चीज़ें सभी के घरों में अवेलेबल हों, कभी भी आपको मार्केट से ना लेनी पड़े। तो ये देखिए, ये तो पीस सबके घर में मिलेंगे ही मिलेंगे, और मुझे पता है आज मेरी सभी बहनें अपने घर से निकालेंगी ये पीसेस और इसको पक्का बनाने की ट्राई करेंगी, और बनेगा भी आप लोगों से भी। तो ये देखिए, कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ भी बनाना, बहुत ईजी DIY है, ईजी DIY है, लेकिन सुंदर इतना बनेगा जब आप देखेंगे इसको लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आप बोल रहे होंगे कि निक्सी अपने आप से अपनी प्रशंसा कर रही है, तो फ्रेंड आप भी करिए, आप भी प्लीज़, आप भी मुझे पता बोलेंगे कहीं ना कहीं ये लास्ट में। तो ये देखिए कितना अच्छा बन गया ये ट्रायंगल की शेप में, और इसी तरह से ये ब्लू प्रिंटेड मेरे पास पीस था, ये भी बहुत प्यारा था, इसको भी मैंने यूज़ किया है फ्रेंड। बड़े आराम से, बड़े इजीली ये बड़े यहाँ पे पेस्ट हो जाते हैं, जो भी हम पीस लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हमारे ये। मुझे देखिए फ्रेंड, पूरे 8 पीस हमने कार्डबोर्ड के कट किए थे, और फिर ट्रायंगल शेप में हमने अपने जो हमारे पास पीसेस थे उनको हमने काटा, और इनके ऊपर हमने फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दिया। देन फिर हमारा अभी टाइम आ रहा है इसको थोड़ा डेकोरेट करने का, अगर डेकोरेट नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बट आप देख रहे हैं कि ऐसे जो ट्रायंगल है सिंपल में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो अगर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते तो वो भी अच्छी बात है, बट मैं इसके ऊपर थोड़ी लेस लगाऊंगी। और ये देखिए लगा दिया हमने इसको अच्छी तरह से, और बड़े आराम से पेस्ट हो जाती है, कोई उतरती नहीं है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे येलो कलर का यूज़ किया है लेस के लिए। तो आपके जो भी आपके कलर के जो आप ट्रायंगल में बनाओगे, जो भी आपको कलर अच्छा लगेगा और जो उसके ऊपर सूट कर रहा है वो लगाइए। अगर आपके पास लेस नहीं तो आप वुडन स्टिक होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डेकोरेट करने के लिए इसके बीच में छोटे छोटे मिरर आते हैं वो भी लगा सकते हैं, उससे और भी अच्छा लुक आएगा। ये देखिए, और फ्रेंड मेरी हैबिट है कि अगर आगे से हमारा पीस अच्छा लग रहा है तो पीछे से भी हमारा अच्छा लगना चाहिए। तो ये भी देखिए, मैंने जो पेपर लगाया ये भी मैंने मार्केट से नहीं लिया, अमेजोन से हमारे कोरियर आता है, उसके बीच में उन्होंने पैकिंग के लिए डाला होता है, तो मैं हमेशा वो रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसका इस्तेमाल किया है, ये देखिए उसको मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है, और अब हम इस सब के पीछे इसको पेस्ट कर देंगे।
इस तरह से। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कोई देखकर बोल ही नहीं सकता कि हमने इसको घर में बनाया है। बिल्कुल लग रहा है कि जैसे हम मार्केट से लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर मेरा आइडिया भाई अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं भी लग रहा तो भी बताइएगा कि कहाँ पे कमी है, उसको मैं दूर करूँगी। और ये देखिए इस तरह से बन गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल एक रनर की तरह आप लगा सकते हैं सेंटर में डाइनिंग टेबल पर, रनर का काम करेगा ये। ये देखिए फ्रेंड कहाँ वो ऐसे बेकार से कपड़े पड़े हुए हैं और हमने उनको यूज़ नहीं किया है, और देखिए आज उनको निकाल के ढंग से उसको अच्छी सी शेप दे के हमने उसको पेस्ट कर दिया, और कितना अच्छा हमारा ये देखिए हमारा DIY रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड कलरफुल एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है, सच में मैं खुद बोल भी प्यारा लग रहा है, जब आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने दीवार पे इसको डेकोरेट किया इस शेप में, आप इसको डायमंड की शेप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अपनी वॉल के हिसाब से आप इसको सुंदर लगे आप ऐसे इसको सजा सकते हैं। ये देखिए ऐसे इस शेप में भी अच्छा लग रहा है, और इस शेप में भी अच्छा लग रहा है डायमंड की शेप में, मेरे को ये शेप बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट किया अपनी वॉल को। और ये देखिए तो फ्रेंड लग रहा है ना बहुत प्यारा सा, बिल्कुल देखिए जीरो कॉस्ट पे हमने इसको रेडी कर दिया है अपने प्यारे सी वॉल को। और जो भी कोई आपके घर में आएगा तो पूछेगा आपने कहाँ से लिया, और आप बड़े प्राउड से बोलेगा नहीं यार ये तो हमने खुद बनाया है, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का DIY अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई चैनल, एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।